फाइव टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, उर्दू में जिसको हम बयानिया या असबातिया जुमले कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस निदाइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दुआइया या तमन्नाइया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया या इल्तजाइया सेंटेंसेस जुमले। You are watching English Made Easy with Han. First type of sentence, what is a declarative sentence or assertive sentence? A declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion. In other words, it makes a declaration. This kind of sentence ends with a period, means full stop. Declarative sentences simply ek bayan ka izhar karte hain ya apni raaye ka izhar karte hain. For example, I want to be a good writer. Here the sentence is making a statement. I want to be a good writer makes a statement. My friend is a really good writer expresses an opinion. यहाँ पे opinion का इजहार हो रहा है. तो ये दोनों sentences assertive और declarative sentences के examples हैं. What is an interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. This type of sentence often begins with question words or auxiliary verbs. Who, what, where, when, why, how, or, do, does, did, will, shall, is, am, are, was, were, can, could, may, might. And it ends with a question mark. ये sentence सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, interrogative sentences. ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताए, या फिर इमदादी फेल से शुरू होते हैं, डू डज डिड विल शैल इज एम आर वाज वर कैन कुड, इनसे स्टार्ट होता है. और सेंटेंस के आखिर पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर असाइनमेंट. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस का आगाज क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो. अब डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंटेंस के आखिर पे क्वेश्चन मार्क है. ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब इसके एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की शक्ल में देखते हैं. ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. व्हाट्स योर नेम, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है. शी सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. विल यू गिव मी योर बुक. अब विल हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो है वो शुरू में जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है. नेक्स्ट, ही सेड टू मी, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो. ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. और दूसरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और रिपोर्टेड स्पीच है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, wonder, happiness, sorrow, and anger, and ends with an exclamation point. Exclamatory sentence ऐसा sentence होता है जो कि आपके जज्बात का इजहार करता है, जोश का इजहार करता है, हैरत का, खुशी का, गम का, गुस्से का इजहार करता है, और sentence हमेशा इख्तिताम उसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होता है. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आई हैव वन द मैच. बाज़ पूरे सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, और बाज़ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं कि उनके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है. जैसा कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, हुर्रा आई हैव वन द मैच, इस सेंटेंस के अंदर हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, तो ये खुशी का इजहार है. अलास माय मदर इज डेड, अलास
ये गम का इजहार है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। हाउ ओल्ड दिस वूमन इज, अब ये हैरत का इजहार है, इस सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। और आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, अब ये सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं है लेकिन ये बोला इस तरीके से खुशी के साथ गया। इस सेंटेंस के आखिर पे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हमें बताता है कि सेंटेंस की सूरत हाल क्या है, कि ये किस अंदाज में कहा गया है। तो ये खुशी के एक्सक्लेमेटरी अंदाज के अंदर ये बात की गई है। व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एट्सेट्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनको हम दुआया फिकरात कहते हैं, ये हमेशा दुआ का इजहार करते हैं, हसरत का इजहार करते हैं, या लानत का इजहार करते हैं, कर्स का, बुरा भला कहने का इजहार करते हैं। इनके बाद दुआ देनी हो या दुआ देनी हो या हसरत का इजहार करना हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे और वुड दैट, इस किस्म के फिकरात जो होते हैं वो मे या वुड दैट से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और सेंटेंस के आखिर पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अल्लाह करे कि आप दोनों इतना अरसा जिंदा रहें, पोते पोतियों को देख सकें। वुड दैट शी वर अ प्रिंसेस, काश वो एक शहजादी होती। तो ये दुआ या बददुआ या हसरत के लिए ये सेंटेंस इजहार करते हैं। व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस या ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तजवीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तजवीज़ के लिए, नसीहत के लिए, बहुत सारी हालतों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इट यूजली एंड्स विद अ पीरियड, आम तौर पर ये सेंटेंस फुल स्टॉप्स पे ख़त्म हो जाता है, बट कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, लेकिन चंद हालात के अंदर इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अंदर भी ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट है। डू नॉट टेल अ लाई, ये मना करने के लिए कहा गया है। ओपन योर बुक, कमांड की गई है। रिंग द बेल, इसमें भी हुक्म दिया गया है। तो ये सेंटेंस हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तजवीज़ के लिए, नसीहत के लिए और बहुत सारी हालतों में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको कोई सवाल जहन में है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।